दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं फेसबुक प्रोफाइल या पेज को कैसे रीअप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले फेसबुक या प्रोफाइल आपका मोनेटाइज नहीं हुआ था और आपका फेसबुक की तरफ से एक डेट मिला था दोबारा से, उस दिन के लिए आपको रीअप्लाई करना था, तो कैसे आप उस दिन रीअप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो भी डेट मिला था फेसबुक की तरफ से, उस डेट आने के बाद आप अपना दोबारा से कैसे फेसबुक के पेज या प्रोफाइल रीअप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका इन स्ट्रीम एड्स के लिए सही से मोनेटाइज हो जाए, कैसे आपको टर्म एंड कंडीशन को पालन करना होगा, क्या आपको फॉलो करना होगा, आपका फेसबुक के जो इन स्ट्रीम एड्स के लिए हो या रील्स के लिए हो या अपना लाइव एड्स के लिए हो, किसी भी प्रकार का मोनेटाइजेशन के लिए आप बहुत ही आसानी से रीअप्लाई करके आप मोनेटाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं फेसबुक एप्लीकेशन यहाँ ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिल रहा है। मेरे पास जो है वो फेसबुक पेज है, ठीक है, पेज या प्रोफाइल दोनों सेम आप जो रीअप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इधर साइड में मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सबके फेसबुक में अलग अलग पिन के हिसाब से रहते हैं। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक होम का ऑप्शन मिलेगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपके सामने बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखने को मिला है। नीचे आ सकते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑप्शन में, या तो आप यहां से भी क्लिक करके मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं। उसके बाद मेरा अर्निंग यहां जो भी यहां दिखा रहा है, उसके बाद स्टार्ट्स का टूल्स आ चुका है। अब मुझे यहां इन स्ट्रीम एड्स के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो भी मुझे डेट मिला था इसके पहले, देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन था, ठीक है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली योर प्रोफाइल हैज़ नॉट बीन अप्रूव टू इन यूज इन स्ट्रीम एड्स, इस तरह हमें मिला था एरर। जैसे कि अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है, मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हुआ था कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो आपको कैसे इसे ठीक करना होगा, देख सकते हैं दोबारा से 19 फरवरी को रीअप्लाई डेट है। आज 19 फरवरी हो चुका है और मेरा रीअप्लाई डेट भी आ चुका है, देख सकते हैं गेट स्टार्टेड का। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से। सबसे पहले मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ, जैसे कि आपका फेसबुक प्रोफाइल या पेज मोनेटाइज होने में आपको चांस रहे। तो सबसे पहले आप अपने जो फेसबुक प्रोफाइल हो या पेज हो उस पर लाइव बना होगा, ठीक है, आपको सही तरीके से लाइव बना होगा। आज ही की डेट में रीअप्लाई से पहले आपको लाइव बना होगा। लाइव आने के बाद आप अपना रीअप्लाई कीजिएगा ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ ये बंदा सच में अपना काम करता है, और ताकि फेस भी फेसबुक को दिख जाए, ठीक है। और जैसे कि सेकेंड में आपको जो भी कंटेंट हो, आपका जो डुप्लीकेट कंटेंट हो या रीयूज कंटेंट हो, किसी और का कंटेंट आपने डाला था, उस कंटेंट को आपको डिलीट कर देना होगा। डिलीट करके दोबारा से रीअप्लाई करना होगा तभी आपका फेसबुक मोनेटाइज होगा, ठीक है। सब तरीके से आपको देख लेना होगा, जो भी आपने डुप्लीकेट वगैरह उठाया है कि कहीं से वीडियो, उसको डिलीट कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से रीअप्लाई करना है, जो कि मैं पूरा डिलीट वगैरह करके क्लियर कर लिया हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ गेट स्टार्टर पर क्लिक करता हूँ। आप भी गेट स्टार्टर पर क्लिक करिएगा रिप्लाई के लिए। उसके बाद दोबारा से आपको गेट स्टार्टर का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा, देख सकते हैं दोबारा से गेट स्टार्टर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका रीअप्लाई हो चुका है। मैं यहाँ जो बैकअप हो रहा है, अब मैं बैक करके आगे आपका प्रोसेस को दिखाता हूँ। रीअप्लाई में हो गया, तो दोस्तों फाइनली रीअप्लाई हो चुका है। कुछ देर के बाद, कम से कम 1 घंटे के अंदर, मैं आपको इन प्रोग्रेस दिखा देगा, ठीक है। 1 घंटे में अपडेट होता है। फिलहाल अभी आपको एक बार रीअप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको वेट करना होगा। 1 घंटे के बाद दोबारा से आएंगे तो इन प्रोग्रेस कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसेसिंग आपका जो इन एस्टिमेट के लिए चला जाएगा और आपका फिर से फेसबुक की तरफ से रिव्यू होगा और आपका जो वीडियो वगैरह कंटेंट दिखा जाएगा और आपका दोबारा से इन एस्टिमेट्स के लिए फेसबुक पेज प्रोफाइल हो मोनेटाइज हो जाएगा। तो बस आप सिंपल स्टेप से आप अपने जो समस्या को ठीक करके आप अपने जो इन एस्टिमेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर।